घुसखोरी को समाप्त करना होगा, घुसखोरी को समाप्त करना होगा, आरक्षण के सीमा को बढ़ाना होगा। नमस्कार, मैं नमनी सब देख रहे हैं एक न्यूज 24। अभी मेरी मौजूदगी जो है गर्दनिया धरनास्थल पर है। यहाँ बता दें कि भारतीय लोक चेतना पार्टी जो है उसके द्वारा आज एक दिवसीय धरना रखी गई है। क्या कारण से धरना रखी गई है तथा इन्हीं से बात करते हैं। आज धरना का कार्यक्रम है सर, भारतीय लोक चेतना पार्टी के तत्वाधान में धरना जो रखा गया है, जो भू सर्वे जो हो रहा है उसको निष्पक्ष जांच निष्पक्ष रूप से किया जाए। ऐसा नहीं हो कि कल हो करके भू स्वामी लोगों को परेशान होना पड़े, कोर्ट कचहरी का शरण लेना पड़े, इसीलिए धरना दिया गया है। और आरक्षण का जो है जो पहले से सुखी संपन्न थे उनको 10% आरक्षण दे दिया गया और 25% आरक्षण दे दिया गया है आपको SC ST के लिए, तो 65% जो आरक्षण बचा हुआ है उसको भी OBC के लिए आरक्षित किया जाए। सभी लोगों को जिस जाति का जितना संख्या है उसके आधार अनुपात में अगर आरक्षण दे दिया जाएगा तो झगड़ा करने का कोई भी लेवल नहीं रहेगा। और विधायिका, न्यायपालिका, सरकारी और गैर सरकारी, शिक्षा और शिक्षा में जो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी में बराबर आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक लोग गरीब बनते जाएंगे। हम लोग का उद्देश्य है कि जो भी भू सर्वे हो रहा है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो पहला तो है कि उसको दूर करने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, एक दिवसीय धरना दिए हैं कि जो गड़बड़ी है उसको दूर किया जाए और इजी वे में भू सर्वे का काम हो। और दूसरा आरक्षण है, जो आरक्षण सही और ये है वो हम लोग को मिले, और इसी के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। सरकारी कर्मियों के द्वारा CO हो, कर्मचारी हो, सबके पैसा ले लेकर दूसरे के नाम से रसीद काट दिया जा रहा है, या तो फिर उसमें खाता खेसरा गलत कर दिया जा रहा है, बहुत सारे पिता के नाम में गड़बड़ कर दिया जा रहा है, उनके नाम में मतलब एक आधे स्पेलिंग गलती कर दिया जा रहा है। इसके कारण आने वाले समय में बहुत जो हमारे किसान बंधु हैं उनको बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो सर्वे हो, हम लोग सर्वे के खिलाफ नहीं है, सर्वे हो लेकिन निष्पक्ष रूप से, जिसकी जितना है उसको एकदम मापदंड के हिसाब से उसको कर दिया जाए, पेपर से कंप्लीट कर दिया जाए, तो हम लोग मानते हैं कि एकदम सही सर्वे हो जाएगा। सर्वे हो जाए तो पेपर अपडेट सब लोग हो जाएगा, अच्छा बात है कि पेपर अपडेट हो जाएगा, यही हम लोग की मांग है। और जो जातीय जो आरक्षण जो हम लोग को बढ़ाया गया था जनगणना के बाद, उसमें भी कोर्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग का है कि भाई जितनी जनसंख्या है जिसकी, उसके अनुपात में अगर 10% वाले को 10% दे दिए। कितने आशा मिल रहा है आप लोग को? अभी तो 50% में ही ना मिल रहा है, पहले 50% जिसे हम लोग ज़्यादा मांग करते थे कि 50% बढ़ाया जाए, तो लोग कहा जाता था सरकार के द्वारा कहा जाता था कि 50% से ज़्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन रातों रात 10% जो आरक्षण जो बढ़ा दिया केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद जो बचा हुआ जो 40% वो किसके लिए बचा हुआ है? आपने सुना भारतीय लोक चेतना पार्टी के जितने भी लोग थे सबका एक ही कहना था कि सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो आंदोलन और तेज होगा। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज 24 पर बने रहे। धन्यवाद।